हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग देखेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी, जो हाल फिलहाल में ही एक नया लाइब्रेरी बनने जा रहा है और उसका कैपेसिटी बहुत ही अधिक है। तो मैं उसको आप लोगों को दिखाऊंगा और ये मैं आप लोगों को आगे का व्यू दिखा रहा हूँ कि सेंट्रल लाइब्रेरी के जो आगे है किस प्रकार से जो है ये लैंडस्केपिंग किया गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार से फूल वगैरह जो है एक लगाया गया है, ताकि सेंट्रल लाइब्रेरी का व्यू जो है अच्छा मिल सके और व्यू जो है थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें व्यवस्थाएँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। इधर जो आप सब देख पा रहे हैं, सभी जो है इसमें फूल वगैरह लगाए गए हैं, ताकि इसका एक व्यू जो हो वो नेचुरल हो, लगे कि हाँ थोड़ा सा प्राकृतिक वातावरण का माहौल बना रहे। तो ये सब आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा पाम्स का ट्री था। और ये हम लोग अब आ चुके हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर, और ये देखिए आपको बाहर से इस टाइप का नज़ारा जो है सेंट्रल लाइब्रेरी से देखने पर मिलता है। और भी आपको हम बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे कि सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अंदर, और हम लोग अब अंदर में देखेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो इधर सा थोड़ा सा इधर उधर का व्यू है, और यहाँ पे जो है जो कृषि मंत्री अमरिंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये, और डॉक्टर अरुण कुमार जो कि यहाँ के वाइस चांसलर हैं, उन्हीं के देख रेख में ये सारी लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितनी सारी पुस्तकों को रखने के लिए ये अलमीरा वगैरह जो है यहाँ पे लाया गया है। और बहुत सारी आपको यहाँ पर देखिए, बहुत सारा जो है आपको ये टेबल जो है स्टडी टेबल भी बनाया गया, और बहुत सारी जो आपको कंफर्टेबल जो आरामदायक हो उस प्रकार की आपको लिए कुर्सियाँ भी लगाई गई है, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत देर तक रह कर के पढ़ेंगे, सात से अभी तो जो हमारा जो नॉर्मल लाइब्रेरी है वो 7 से 7 तक खुलता है, तो यहाँ पर लोग 10 घंटा 12 घंटा या इससे भी ज़्यादा देर तक लोग बैठते हैं। तो ये ध्यान में यहाँ पे रखा गया है कि आपके जो लिए जो कुर्सियाँ हों वो थोड़ा सा आरामदायक हो। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप लैपटॉप भी अपना रख सकते हैं, यहाँ पे आप कीबोर्ड रख सकते हैं, सारी सुविधाएं आपको दी गई है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर अवेलेबल मिले, यानी कि ये सारा जो सेंटर में आप देख रहे हैं वहाँ पे आपके लिए कंप्यूटर लगा हुआ रहेगा, और आप उस कंप्यूटर के माध्यम से आप सारा कुछ जितना भी है ऑनलाइन वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप किन्हीं का क्लास देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो भी ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहें वो आपके लिए यहाँ पे फ्री रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जो है वो बहुत सारी वेबसाइट नेटवर्क के द्वारा बैन भी रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ें बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है वो अलमीरा वगैरह लाई गई है, और उन सारी जो अलमीरा आपने देखा उन सब में यहाँ देखिए बाइंडिंग के लिए भी रूम है, आप बाइंडिंग करवा सकते हैं। और यहाँ भी देख लीजिए बहुत सारे अलमीरा वगैरह है, इसमें बहुत सारी किताबें रहेंगी। और चलिए ये तो हमारा था फर्स्ट फ्लोर था, और अब हम लोग चलेंगे आगे पे और देखेंगे कि सेकेंड फ्लोर पर किस प्रकार का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे वाला में बहुत सारा अलमीरा है, और सारे में आपको बुक भरा पड़ा मिलेगा जब ये पूरी तरीक़ा से बन जाएगा। तब जब पूरी तरीक़ा से ये सेटल हो जाएगा उस टाइम भी हम आप लोग को दिखाएंगे कि उसका व्यू क्या है। तो अभी तो सिर्फ ये खाली पड़ा हुआ है, अभी निर्माणाधीन है, यानी कि ये निर्माण तो लगभग बिल्डिंग का हो चुका है, लेकिन इसमें जो सारे सामान हैं वो अभी नहीं आए हैं। जब वो आ जाएंगे तो हम आपको वो सब भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है ये सेंट्रल लाइब्रेरी का जो है ये आपको लुक देखने को मिलता है। तो लगभग लगभग जितनी सारे फर्स्ट फ्लोर पे थी वो लगभग लगभग सेकंड फ्लोर पे भी सेम ही चीज़ है, सारा जो है अलमीरा वगैरह आपको देखने को अभी यहाँ मिल रहा है। लेकिन बाद में जब सारी चीज़ें जो है अरेंज हो जाएगी, सारा अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा, तो उस वक्त हमको सही से पता चल पाएगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या सही मायने में उसका क्या अरेंजमेंट है। तो आप देख रहे हैं ये जो है सेकंड फ्लोर पर है, और यहाँ
वो ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये 3 मंजिल, एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 मंजिला है। एक आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर है, इस प्रकार से। और इस फ्लोर पे भी हमको वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत सारी पुस्तकों के लिए अलमीरा वगैरह जो है यहाँ पर भी लाया गया। और थर्ड फ्लोर पे भी लगभग आपको सेम ही, मतलब कि तीनों फ्लोर का जो है सेम ही लुक मिल रहा है। और यहाँ से सीढ़ी का जो है बहुत ही अच्छा लुक, मतलब लगता है देखने में, जिस प्रकार से सीढ़ी का डिज़ाइन किया गया है। और चलिए थोड़ा सा हम आपको बाद वाला व्यू दिखाते हैं कि यहाँ से बाहर जो है, ये पीछे साइड का है, कि यहाँ से बाहर जो आपको पीछे साइड का नज़ारा थोड़ा सा कैसा दिखता है। तो ये सारा आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, बहुत ही कूल, कहें तो बहुत ही, मतलब कि अच्छा नज़ारा यहाँ से ऊपर से हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो तीनों फ्लोर का जो है लगभग सेम ही, मतलब कि अरेंजमेंट है, सेम ही सब कुछ अरेंज किया गया। और सीढ़ी का लुक देखने में बहुत ही यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस प्रकार से यहाँ से जो है सीढ़ी का जो है बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा ये साइड वाला व्यू है, हम इसको फ्रंट वाला नहीं। और आप, हम लोग आ चुके हैं लाइब्रेरी के बाहर, और यहाँ देख लीजिए सोलर प्लेट भी बहुत सारा यहाँ पे लगा हुआ है, ताकि हमको जो एनर्जी है वो कम से कम बिजली में हम लोग चला सके। तो ये पूरा का पूरा जो व्यू आपको मिल रहा है ग्रास वगैरह देखने के लिए, ये सेंट्रल लाइब्रेरी का बाहर का व्यू है, आगे का फ्रंट का व्यू है, आप इसको कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ लगा होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज तक के लिए यहीं तक, बने रहिए एग्री गाइडेंस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।